पवन सिंह के खेमे में काजल राघवानी की एंट्री क्या हुई? खेसारी लाल यादव तो भाई अक्षराज सिंह का दामन थाम लिए। जी हाँ, आज की स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और फिर सोचिएगा ज़रूर। वैसे खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह ने हाल ही में एक मंच शेयर किया था। उस मंच पर ये दोनों ने एक दूसरे के साथ जो जुगलबंदी दिखाई वो सभी को बहुत पसंद आई। जुगलबंदी नोक झोंक वाली ही थी, लेकिन सभी को रास बड़ी आ रही थी क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार बड़े ही अंतराल के बाद किसी स्टेज शो पे दिखे थे और दोनों की फैन फॉलोइंग तो भाई तगड़ी है ही। आपको बता दें कि इस महोत्सव में पवन सिंह को भी बुलाया गया था, लेकिन सुनने में ये आया है कि खेसारी और अक्षरा के रहते पवन सिंह ने अपना आना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह और काजल राघवानी में इन दिनों अलग खिचड़ी पक रही है। जी हाँ, पवन सिंह और काजल राघवानी एक साथ इन दिनों बैक टू बैक दो फिल्में करेंगे। वैसे तो एक फिल्म की शूटिंग कैसन हो जाला प्यार की लखनऊ में चल रही है और एक फिल्म है पवन पुत्र जिसमें भाई काजल राघवानी ने स्पेशल नंबर किया है। इसके फुटेज भी हमने आपको पिछले दिनों दिखाए थे, लेकिन अब हम आपको स्पाइसी न्यूज देने वाले हैं। सुनने में आया है कि महोत्सव खत्म होने के बाद खेसारी भले ही इस प्रोग्राम से जल्दी निकल गए, लेकिन फिर वो अक्षरा सिंह के टच में आए और सुनने में आ रहा है कि जल्द ही ये दोनों किसी फिल्म में भी साथ में काम करेंगे। उसका रीज़न है रिसेंट अक्षरा सिंह की रिलीज हुई फिल्म लैला मजनू का बिजनेस। जी हाँ, फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है और अक्षरा और चिंटू की जोड़ी को भी पसंद किया जा रहा है। आपको ये बता दें कि काजल राघवानी जो लगातार खेसारी के कैंप से निकलकर बाहर की फिल्में कर रही थी, ये बात कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को रास नहीं आई। वैसे इसका खुलासा खेसारी खुद नहीं करते और ना ही काजल राघवानी करती हैं, लेकिन सोर्सेस की माने तो इन दोनों के बीच झगड़े की वजह यही बनी है। और साथ ही साथ इन दिनों काजल राघवानी की केमिस्ट्री भाई पवन सिंह के साथ खूब जम रही है। ऐसे भी काजल राघवानी के रहते अक्षरा सिंह खेसारी के खेमे में तो दाखिल हो ही नहीं पाती और लगे हाथ खेसारी ने मौके पे चौका मार ही दिया है। अब काजल जैसे ही उनके खेमे से आउट हुई, उनको मौका मिल गया अपने खेमे में अक्षरा सिंह को लेने का और इस तरह खेसारी और अक्षरा अगर साथ में फिल्में करते हैं तो उनका पलड़ा काजल और पवन से भारी हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे फैंस हैं जो इन दोनों को साथ में देखना चाहते हैं कि ये दोनों जल्द से जल्द कोई बड़ी फिल्म करें। हो सकता है कि इसकी अनाउंसमेंट जल्द हो भी जाए। तो अब आप समझ लीजिए कि खेसारी की जिन जिन फिल्मों से काजल राघवानी ने अक्षरा सिंह का पत्ता साफ किया था, अब पाला अक्षरा सिंह के हाथ में है। हो सकता है कि वो भी अब काजल को खेसारी की फिल्मों से निकलवाएं और अपने लिए फिल्म दर फिल्म खेसारी के साथ करती जाएं। वैसे कुछ चेंज होना चाहिए, चेंज होना अच्छी बात है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो भाई अगर काजल आज यहाँ पवन के साथ हैं और खेसारी के साथ वहाँ अक्षरा हैं तो बुरा ही क्या है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।